फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। पिछले एक महीने में कपास के दाम 10,300 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर स्थिर हैं। वहीं किसानों को अब भी दामों के बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते किसानों ने बड़े पैमाने पर कपास का स्टॉक कर रखा है। ऐसे में इस समय बाजार में कपास की आवक भी काफी हद तक घट गई है। बता दें कि इस बार अगस्त से अक्टूबर महीने के दौरान लगातार बारिश वे अतिवृष्टि हुई, जिसके बाद वापसी की बारिश की वजह से कपास पर गुलाबी इल्लियों का भी संक्रमण हुआ, जिसके चलते किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है और औसत उत्पादन घट गया है। यह स्थिति महाराष्ट्र के अमरावती जिले सहित समूचे राज्य में रही है। इस बार मध्यम धागे वाले कपास को 5,726 तथा लंबे धागे वाले कपास को 6,025 रुपए क्विंटल का गारंटी मूल्य घोषित किया है। वहीं निजी बाजारों में कपास को इसकी तुलना में 4,000 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा दाम मिल रहे हैं। इस बार सीसीआई द्वारा खरीदी नहीं की जाएगी, ये अब लगभग साफ हो गया है। वहीं दूसरी ओर उत्पादन में कमी तथा कपास की मांग में वृद्धि के साथ ही रुई व ढेप की दर वृद्धि की वजह से कपास के दामों में और अधिक वृद्धि होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस उम्मीद पर भरोसा करते हुए कपास उत्पादक किसान अपनी उपज को फिलहाल अपने ही पास रखे हुए हैं और दाम बढ़ने की उम्मीद में फिलहाल कपास को बेच नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।